बफर बोर्ड E400 का, जूम कर ये जो आईसी है यहाँ नो पिक्चर, सारे ओल्ड प्रेजेंट रहते हैं, नो पिक्चर का फॉल्ट आता है। ये जो आईसी है इसके बाजू में ब्रॉड पीएफ लगा हुआ है, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। ये पांचों जो आईसी है नॉर्मल कर दें, ये जो पांचों आईसी है बफर में, ये कोई भी एक आईसी लीक होती है, लीकी होती है, जिसकी वजह से ये 5 वोल्ट की जगह 3.3, 3.8, 4.2 कोई भी एरर वोल्ट हो जाता है। कभी कभी तो फट भी जाती है। हाँ, वो एरर वोल्ट हो जाता है जो 5 वोल्ट सप्लाई उसको आई हुई है। बफर ऑपरेट नहीं होगा। हाँ, कोई भी एक आईसी खराब हो सकती है। उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ बोर्ड में ना 47 ओम्स की दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रखी रहती है, उसके अक्रॉस एक डायोड लगा रहता है। वो जो 47 ओम्स की रेजिस्टेंस के थ्रू जो सप्लाई पास हो रही है आगे ब्रिज के, वो रेजिस्टेंस कई बार ड्राई होती है या फ्यूज हो जाती है किसी भी रीजन से, तो वो हमारा ब्लैक पट्टा या हल्का ग्लो पट्टा रहता है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में पैनल डैमेज है, उसके लिए ज़्यादा इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ कर सको। कुछ लोग बोलते हैं सर बॉन्डिंग हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ग्लास के ऊपर बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के बाद में उसके ऊपर पतरा चढ़ा दिया जाता है, तो आपका जो हेड है वो कहाँ जाएगा, वहाँ तक जाएगा ही नहीं। इसके लिए प्लाज्मा में बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है।